तो हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी लोग का वेलकम हमारे इस चैनल आर्टिस्टिक क्रिएशंस पे और इस न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अपने आर्टवर्क्स मुझे सेंड किए थे, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के आर्टवर्क्स को रिव्यू करूंगा और बताऊंगा कि आपकी क्या मिस्टेक है, कैसे आप अपने आर्टवर्क को इम्प्रूव करें। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके आर्टवर्क्स इस वीडियो में शो होंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और नीचे कमेंट में लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अब तक ड्राइंग भेजी अपनी, उसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो मैंने मेंशन किया था अपने लिस्ट में, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस में मेंशन किया था कि टॉप 5 आर्टवर्क्स को मैं प्रमोट करूंगा, यूट्यूब पे लिंक दूंगा, कमेंट पे और इंस्टाग्राम पे प्रमोट करूंगा, तो उन 5 लोगों का ही नाम मैं बता रहा हूँ। तो प्लीज़ आप केयरफुली होके सुन लीजिए। आप लोगों का जो पेज है, जो चैनल है, वो मैं मतलब दूसरों तक पहुंचाऊंगा। तो पहला है जो रियलिस्टिक इन्होंने ड्राइंग बनाया, आर्टिस्ट ऑफ इंस्टा। तो इनका जो यूट्यूब चैनल है, नहीं भी है, इनका इंस्टाग्राम पेज, जो इंस्टाग्राम जो पेज है इनका, वो मैं प्रमोट करूंगा। और दूसरा है हॉर्स ड्राइंग, जिसने बनाया है, आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, ड्रॉ विथ नमन। तो इनका यूट्यूब चैनल का लिंक दे दूंगा, उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और जो तीसरा है ओल्ड मैन पोर्ट्रेट, जशन राज आर्ट्स, ये बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, इनका मैं लिंक दे दूंगा यूट्यूब चैनल का, आप लोग उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो फोर्थ है वो 3D स्पाइडरमैन है, इन्होंने बनाया है आर्टिज्म प्लेनेट, रुद्राक्ष ने। रुद्राक्ष भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, इनका नाम है, मतलब इनके चैनल का नाम है आर्टिस्टिक आर्टिज्म प्लेनेट। तो मैं इनके चैनल का लिंक दे दूंगा, आप लोगों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो फिफ्थ कंसिस्टेंट है रियलिस्टिक, इन्होंने आई बनाया, आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, इनका नाम है दर्शन आर्ट्स। तो ये भी बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत ही कलाकारी आर्टिस्ट हैं, ये भी मतलब बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग शेयर करते हैं, तो मैं इनका भी चैनल का लिंक दे दूंगा, आप लोग उनको सपोर्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये ख़त्म हुआ जो मैंने 5 कंसिस्टेंट का नाम बताया, इनका चैनल मैं प्रमोट करूंगा और दूसरों तक पहुंचाऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब रिव्यू की तरफ चलते हैं और सबके आर्टवर्क्स 1 by 1 रिव्यू करते हैं। हमारी फर्स्ट एंट्री वो आप लोगों को इधर दिख रही होगी, इनका नाम है द अलोन आर्टिस्ट। इन्होंने मुझे ये वाला टोनी स्टार्क का स्केच भेजा था, इन्होंने ये पेंसिल से बनाया था, बहुत ही अच्छा आर्टवर्क है, इसमें मैं मतलब कोई मैं उनको मिस्टेक नहीं बताऊंगा इनकी, बहुत ही अच्छा आर्टवर्क है, टोनी स्टार्क का इन्होंने ड्राइंग बनाई है। चलिए फ्रेंड्स, अब सेकंड आर्टवर्क की तरफ चलते हैं। आप लोगों को इधर दिख रहा होगा राधा कृष्णा की ड्राइंग, क्योंकि बहुत ही अच्छी बनाया है, इन्होंने बनाया है अनहा घानु मोहन ने। इन्होंने मुझे अपना आर्टवर्क टैग किया था इंस्टा पे, तो बहुत ही अच्छा इनका आर्टवर्क है, इनके आर्टवर्क में कुछ कमी नहीं है, बस बहुत ही अच्छा आर्टवर्क है, मैं इतना कह सकता हूँ, बहुत ही इम्प्रूव मतलब बहुत ही इम्प्रूविंग आर्टवर्क, जैसे लग रहा है कि बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है, तो बहुत ही अच्छा है, कीप इट अप। और जो थर्ड आर्टवर्क है वो आप लोगों को इधर दिख रहा होगा, फनी फेस ड्राइंग, क्योंकि बहुत ही अच्छी है, सौरभ जोशी सर ने भी ये बनाई थी ड्राइंग, बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाया है तनिष्क बदगुजार आर्ट्स ने। इनका मैं शुरू से अक्टूबर से जब मैंने सब्सक्राइबर्स आर्ट रिव्यू किया था, तब मैं इनकी ड्राइंग्स देखता था, तो अब देख रहा हूँ बहुत ही इम्प्रूव इन्होंने किया है, बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं अपनी ड्राइंग्स पे, तो बहुत ही अच्छी ड्राइंग है फनी फेस की, बहुत ही अच्छी ड्राइंग उन्होंने बनाया है। आई होप कि आप लोग मतलब आप देख रहे होंगे तनिष्क, तो मेरे लिए आपकी सलाह है कि बहुत ही अच्छे आर्टवर्क आप बनाते हैं, आर्टिस्ट बहुत ही अच्छे हैं आप, बस कीप प्रैक्टिसिंग, कीप हार्ड वर्क, बस आपको हार्ड वर्क ही सक्सेस की तरफ ले जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चौथी आर्टवर्क की तरफ चलते हैं। आप लोगों को इधर दिख रहा होगा क्यूट बेबी की ड्राइंग, जिसने बनाया ऑक्सीजन आर्ट ने बनाया, ऑक्सीजन आर्ट ने बनाया है OXYZN आर्ट ने। इन्होंने मुझे अपनी ड्राइंग भेजी थी, तो कहा था कि मुझे भी मतलब हिस्सा लेना है सब्सक्राइबर्स आर्ट रिव्यू में, बहुत ही अच्छा है इन्होंने ड्राइंग बनाया है। बस मैं इतना मतलब कहना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, ऑक्सीजन आर्ट मतलब एक प्रैक्टिस जब आप करते रहेंगे डे बाई डे, तो आपकी आर्ट जो है वो इम्प्रूव होती रहेगी डे बाई डे, बस प्रैक्टिस करिए, बहुत ही अच्छा आर्टवर्क है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अगली आर्टवर्क की तरफ चलते हैं। आप लोगों को इधर दिख रहा होगा लैंडस्केप सीनरी, जो आर्ट फ्रॉम हार्ट ने बनाया, बहुत ही अच्छी सीनरी है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, शायद इन्होंने ये ऑयल पेस्टर से बनाया, वाटर कलर से बनाया, मतलब इन्होंने मुझे नहीं बताया, मगर बहुत ही अच्छी ये सीनरी है। और मैं इनको इनके लिए कहना चाहूँगा कि आप सीनरी से अच्छा बहुत कोई हार्ड मतलब जो हार्ड आर्टवर्क्स होते हैं, हार्ड मतलब जो मतलब टफ होते हैं, उन टाइप्स आर्टवर्क को आप ट्राई करिए बनाना, क्योंकि ये सब तो मतलब कोई भी बना सकता है, मतलब बना नहीं सकता है, कोई बच्चा नहीं बना सकता है, मगर बहुत इजी ड्राइंग है ये, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए हार्ड टाइप्स ऑफ आर्टवर्क बनाने के लिए,
बहुत ही अच्छी ड्राइंग है। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगली आर्टवर्क की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों को इधर दिख रहा होगा रियलिस्टिक ड्राइंग, रियलिस्टिक जो कोई कैरेक्टर की ड्राइंग बनाया है, आर्टिस्ट ऑफ इंस्टा नाम है इनका। ये बहुत ही अच्छे आर्टवर्क बनाते हैं, शेयर करते हैं इंस्टा पे। तो इनका मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छी 100 out of 100 इस पर मैं देना चाहूँगा इनको, बहुत ही अच्छी आर्टवर्क बनाया है। आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, आप बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट बनेंगे, मैं इतना इनके लिए कहना चाहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगली आर्टवर्क की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को इधर दिख रहा होगा चंद्विक बोसमैन की ड्राइंग, जो RIP चंद्विक बोसमैन की ड्राइंग उन्होंने बनाया, बहुत ही अच्छी ड्राइंग है। इसमें मैं कहना चाहूँगा जो आपने शेडिंग थोड़ी सी किया है उसको 90% आपकी शेडिंग सही है, बस 10% जो डार्कर एरियाज है, जो लाइट एरियाज है उसको आप ऑब्जर्व करके बनाया करिए। इरफान खान इनका नाम है, इंस्टाग्राम पे ये हैं, तो मैं इनका लिंक दे दूंगा। ये बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हैं, ग्रोइंग आर्टिस्ट हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी आर्ट बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, बस इनको एक प्रॉपर वे में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो आप प्रैक्टिस करिए, मेरी एक मतलब मैंने जो आपको बताया कि प्रैक्टिस मेड मैन परफेक्ट, तो ये बहुत ही अच्छा आर्टवर्क है। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगली आर्टवर्क की तरफ चलते हैं। तो ये जो पोर्ट्रेट ड्राइंग है एक बच्चे की, जो मतलब एक लड़के की ड्राइंग जो ये कर रहा है, बहुत ही इन्होंने भी इरफान खान ने ये सेकेंड ड्राइंग बनाई है, बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाई है, बहुत ही अच्छा इनका प्रोपोर्शन है और लाइन है, बहुत ही अच्छी जो आउटलाइन होती है बहुत ही अच्छी बनाया है इन्होंने। तो बस जो आईब्रोज है उसको थोड़ा सा डार्क करिए और जो आपकी शेडिंग है उसको थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश करिए, बाकी बहुत ही अच्छी ड्राइंग है आपकी। चलिए फ्रेंड्स अब अगले आर्टवर्क की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों को इधर दिख रहा होगा हॉर्स की ड्राइंग, जो बनाया है ड्रॉ विथ नमन ने। ड्रॉ विथ नमन भी बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हैं। इनका मैं जो टॉप 5 लिस्ट है, प्रमोटर लिस्ट है, उनका नाम है इसमें सेकेंड नंबर पर ही। बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, इनका मैं चैनल का लिंक दे दूंगा, यूट्यूब चैनल का, आप लोग उनको सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जो सौरभ जोशी सर ने जो यानी ड्राइंग बनाई थी हॉर्स ड्राइंग, वो एकदम सिमिलर इन्होंने बनाई है, बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाई है। आई होप कि आप लोग जब आप मेरी बात सुन रहे होंगे तो आप जब आपको मैं वो देना चाहूँगा कि प्रैक्टिस करते रहिए, बस आप बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स अब अगली आर्टवर्क की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों को इधर देख रहा होगा स्वामी विवेकानंद का स्केच, क्योंकि बहुत ही अच्छा है, सुमन आर्टवर्क्स भाई ने बनाया है, बहुत ही अच्छे आर्टवर्क ये बनाते हैं सुमन भाई, इनका मैं भी लिंक दे दूंगा, आप उनको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो इन्होंने जो बनाया है, जो आपने मतलब बाकी सब आपने बहुत ही अच्छी किया है, शेडिंग बहुत अच्छी किया है, टेक्निक आपकी बहुत अच्छी है मतलब पेंसिल की शेड करने की, और आपका जो प्रोपोर्शन है वो भी सही है, बस आपने जो नाक के नीचे जो आपने होल बनाया है ना, उसका आपने आउटलाइन सही से नहीं बनाई है, मतलब थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आउटलाइन को अपनी मतलब आउटलाइन पर प्रैक्टिस किया करिए, कोई शेप मतलब रेक्टेंगुलर शेप, सर्कुलर शेप ये बनाने की कोशिश करिया करिए, मतलब डे बाई डे और प्रैक्टिस करिया करिए शेडिंग की, बहुत ही अच्छे आप आर्टवर्क मतलब बनाएंगे आगे चल के। प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे आर्ट में। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगली आर्टवर्क की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों को इधर दिख रहा होगा ओल्ड मैन पोर्ट्रेट, जो बनाया जशन राज भाई ने, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं जशन राज आर्ट्स। तो इनका मैं लिंक दे दूंगा चैनल का, ये भी टॉप 5 के लिस्ट में है, प्रमोटर लिस्ट में। तो ये बहुत ही अच्छा आर्टवर्क बनाते हैं, जशन राज आर्ट्स इनका नाम है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेट बनाया, आपकी आउटलाइन भी बहुत ही अच्छी करेक्ट 100% है, आपका जो फेस का जो इमोशन है वो भी बहुत अच्छा है, प्रोपोर्शन इमोशन जो भी कहना है वो बहुत ही अच्छा बनाया आपने। आईज एक जो बंद है वो भी बहुत अच्छी बनाई है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा जो मतलब आपने पता नहीं कौन सी पेंसिल यूज़ किया है, डार्कर पेंसिल यूज़ किया 10B या कोई भी 8B, तो बस डार्कर पेंसिल से आप बनाया करिए, थोड़ा सा मतलब हाथ का जो ग्रिप है उसको थोड़ा सा मतलब हार्ड उसमें पकड़ा करिए, मतलब इसलिए क्योंकि जो वो है लाइन्स है उसको और डार्कर कोशिश करिए, और जो पेंसिल है उसको और डार्क इफेक्ट लाने की कोशिश करिए, बाकी सब बहुत अच्छा आपका, बहुत ही अच्छा आप आर्टवर्क बनाते हैं मैं देखता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगली आर्टवर्क की तरफ चलते हैं। तो इन्होंने बनाया कमीशन आर्टवर्क, जिनका नाम है सुवनकर आर्ट क्रिएटिव, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। इन्होंने पहली बार अपना आर्टवर्क मुझे SAR के लिए भेजा है, बहुत ही अच्छा आर्टवर्क है, वाटर कलर से बनाया है, बहुत ही अच्छा आर्टवर्क है, प्रोपोर्शन भी एकदम सही है। तो 100 out of 100 मैं इनको देना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा आर्टवर्क है। तो चलिए फ्रेंड्स अगली आर्टवर्क की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों को इधर दिखा होगा स्पार्टन का स्केच, जो स्पार्टन एक कैरेक्टर है पता नहीं कौन सी गेम में, मगर बहुत ही अच्छा इन्होंने स्केच बनाया रीस्टार्ट आर्ट ने।
रीस्टार्ट आर्ट बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, इनका मैं चैनल का लिंक दे दूंगा। बहुत ही अच्छे आर्ट बनाते हैं, आर्ट ड्राइंग्स पेंटिंग बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं। इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी ड्राइंग है, बहुत ही मतलब ये हार्ड ड्राइंग है, बहुत कोई मतलब ऐसे बनाने की कोशिश ना करिए, बहुत ही ऑब्जर्वेशन और टाइम स्पेंड करने की इस पर वो होती है ड्राइंग पे, बहुत ही अच्छी इन्होंने हार्डवर्क किया है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक आपको एक थम्स अप देना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा आपने हार्डवर्क किया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगली आर्टवर्क की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों को इधर एक अमिताभ बच्चन का स्केच दिख रहा होगा, आर्टिस्ट केव्स ने बनाया ये स्केच। मैं इतना कहना चाहूँगा इनको, जो आपका शेडिंग वाला है, शेडिंग आप जो हेयर की शेडिंग आपने किया वो थोड़ी सी आगे पीछे, तो उसको आप शेडिंग ऑब्जर्व जब करेंगे आप इमेज को, तभी आपको शेडिंग करने में मतलब अच्छा लगेगा और शेडिंग आपकी प्रॉपर होगी। शेडिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और जो आपकी मुस्टैश के पास जो होठ की लिप्स की जो आउटलाइन है वो आपने थोड़ा सा 80-90% गलत मतलब आगे पीछे किया है, तो उसको आप आउटलाइन को ऑब्जर्व करके बनाया करिए, और आप प्रैक्टिस करिया करिए शेप बनाने की, सर्कल और फेस का शेप बनाने की, तभी आपको ये सब फेस की आउटलाइन और प्रपोर्शन समझ में आ पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगली आर्टवर्क की तरफ चलते हैं। आप लोगों को इधर दिख रहा होगा डायनासोर की ड्राइंग, रियलिस्टिक डायनासोर की, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसमें मैं 100 में से इनको 150 नंबर देना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा आर्टवर्क बनाया है। सैकत आर्ट वर्क्स ने ये ड्राइंग बनाई, बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाई, मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगली आर्टवर्क की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को इधर दिख रहा होगा निशानेबाज ने जो ड्राइंग बनाई है, हॉलोवीन ड्राइंग। इसमें मैं बहुत ही चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो आपने ऑयल पेस्टल से बनाई है, पहली बात तो आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और आप जब धीरे धीरे कई कई ड्राइंग बनाते जाएंगे तभी आपको प्रैक्टिस में आप इम्प्रूव करते जाएंगे। तो आप पहले प्रैक्टिस करिए ऑयल पेस्टल से आउटलाइन बनाने की, प्रपोर्शन अच्छा से बनाने का, तभी आप अच्छी से अच्छी ड्राइंग बना पाएंगे। निशानेबाज इनका नाम है, पता नहीं जो रियल नेम है मुझे नहीं पता। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगली आर्टवर्क की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को इधर मार्शमेलो का ड्राइंग दिख रही होगी, जिन्होंने ये ड्राइंग बनाया जशन राज भाई ने, मैंने पहले भी इनका आर्टवर्क दिखाया था, बहुत ही अच्छी ड्राइंग है। जशन राज आर्ट बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, बहुत ही आप इनको फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए इनका चैनल, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। बहुत ही अच्छा आर्टवर्क बनाते हैं, आपके मतलब आप भी देख के बहुत मतलब कहेंगे कि बहुत ही अच्छा आर्टवर्क है। तो ये मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी ड्राइंग है, कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगली आर्टवर्क की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को इधर दिख रहा होगा 3D स्पाइडरमैन की ड्राइंग, जो बनाया है आर्टिज्म प्लेनेट ने, रुद्राक्ष भाई ने बनाया है हमारी। तो ये बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे मतलब इम्प्रूविंग आर्टिस्ट हैं, ये धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं डे बाई डे। मैं इनके आर्टवर्क बहुत पहले से देख रहा हूँ, कम से कम नवंबर दिसंबर से इनका आर्टवर्क मैं देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छा इन्होंने इम्प्रूव किया अपने आर्टवर्क में। तो मैं कहना चाहूँगा बस इम्प्रूव करते रहिए, और जब आप इम्प्रूव करने लगेंगे तभी आप सक्सेस की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगली आर्टवर्क की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों को इधर दिख रहा होगा 3D ग्लास की ड्राइंग, जो कि बहुत ही अच्छी है, दर्शन आर्ट्स ने ये बनाया, बहुत ही अच्छी ड्राइंग है, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगली आर्टवर्क की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट आर्टवर्क है, आप लोगों को अच्छा लगा मतलब इन्होंने भी बनाया, दर्शन आर्ट्स ने इस आर्टवर्क को भी बनाया, बहुत ही अच्छा आर्टवर्क है, आई का रियलिस्टिक ड्राइंग है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा आर्टवर्क है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नीचे कमेंट में लिख के बताइए कि आपके मतलब मैंने जो बातें कहीं आप लोगों को कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो इसको इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा हार्ड आर्टवर्क की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सक्सेस की तरफ बढ़ना शुरू होंगे अपने आर्टवर्क सक्सेस की तरफ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।